ओके आई एम बैक. स्टार्ट करते हैं. आवाज आ रही है बराबर एवरीबॉडी? अहमदनगर, अहमदनगर अब तक कहां पे था भाई? वेलकम सर. भिलवाड़ा बोल रहे हैं आप. टॉलीवुड रॉकर जूनियर एनटीआर लगते हो. हे यापडेर क्या नल्ला है क्या? चलो ओके स्टार्ट करेंगे. अब देखो मैंने तुम लोगों को बेसिक आइडिया दे दिया है. मैंने तुम लोगों को क्या लिखवाया है? मैंने तुम लोगों को ये लिखवा दिया है कि ट्रांसफर प्राइस होता क्या है. अंधेरी, फाइनली आई एम लिसनिंग फ्रॉम अंधेरी. कहां पे हो भाई तुम? जवाब दे दिया करो, देते रहा करो. ओके हाँ रेवाड़ी. अब वो लोग बोल रहे हैं कि नोट कराना है, तो चलो आओ हेडिंग दे दो. हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन इंडिया. हेडिंग दो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग या डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन इंडिया. लिखना है ना तुम लोगों को? सब लिखो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन इंडिया. ठीक है, आवाज आ रहा है बराबर? कंफर्म करो भाई. कूल चलो. सो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन इंडिया, उसके बाद में लिखो प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी सेंट्रलाइज्ड सेटअप. प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी सेंट्रलाइज्ड सेटअप previously there used to be centralized setup and all the departments were segregated based on cost centers. Accordingly, the internal departments were not motivated to earn profit for their own departments. Accordingly, internal departments were not motivated to earn profits for their internal departments. And everything was transferred at cost. ठीक है, एंड ट्रांसफर प्राइस वॉज एट कॉस्ट. अब लिखो फॉर एग्जाम्पल. अब थोड़ा अच्छा हैंडराइटिंग में मैं लिखवा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क कर्ड बटर मिल्क. प्लीज रिपीट. नागपुर कहां से रिपीट करूं? और इधर लिख दो सेंट्रलाइज्ड सेटअप. नागपुर स्टार्टिंग से तो नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक एलएमएस में ये मिल जाएगा. फर्स्ट दो तीन लेक्चर तो मिल जाएंगे, सो डोंट वरी. एंड मैंने यही बेसिक जो अभी पढ़ा है वही लिखा है, सो नॉट टू वरी.
हो जाएगा। पाली सर आज अली का बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अली, गॉड ब्लेस यू। चलो कितना स्पेस छोड़ दे, हार्डली हाफ पेज मैक्सिमम, और फिर ये लिख दो। फॉर एग्जाम्पल इधर लिख दो कैपेसिटी, वन लाख लीटर्स इंटरनल डिमांड, इंटरनल डिमांड 20,000 लीटर्स, बराबर है। सो कैपेसिटी हो गया इंटरनल डिमांड 20,000 लीटर्स, ट्रांसफर एट कॉस्ट, यहां पे 20,000 लीटर्स का कैपेसिटी है, 10,000 लीटर्स का डिमांड है, ट्रांसफर एट कॉस्ट। अब यहां पे तो आगे का कुछ है नहीं है सच, तो डाल देंगे ब्लैंक। सो ये सिनारियो होता था, ये ड्रॉ कर लो, फटाफट ड्रॉ कर लो। सबास फटाफट ड्रॉ कर लो ये, ठीक है। सो ट्रांसफर एट कॉस्ट, लीव वन लाइन एंड राइट डाउन, हाउएवर विद द चेंजिंग बिजनेस सिनेरियो, विद द चेंजिंग बिजनेस सिनेरियो, companies started decentralizing the departments. And now all the departments were on profit center basis, and now all the departments were on and now all the departments were on bolo bolo were on and now all the departments were on profit centric basis were on correct Sultanpur were on profit centric basis. As a result, methods of transfer pricing were developed. Yes, Kalkaji. Methods of transfer pricing were developed. Which helped to calculate transfer price in different situations of profit center. Which helped calculate transfer price in different situations. समझू एवरीबॉडी, अरे बोलो समझू, सब लोग ने लिख दिया। लीव वन लाइन एंड राइट डाउन, अकॉर्डिंगली
in a decentralized profit centric environment, in a decentralized profit centric environment, in a decentralized profit centric environment, we will always use transfer pricing. We will always use transfer pricing. चलो इधर तक क्या किसी को कोई डाउट है? क्या आपको समझ गया ट्रांसफर प्राइस क्या होता है? क्या आपको समझ गया डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? क्या आपको समझ गया प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? क्या आपको समझ गया हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर प्राइस? क्या हर एक चीज आप लोग के जहन में बस गई है? क्या कभी कोई भी चीज का डाउट है आप लोग को? प्लीज जवाब दो मुझे. ठीक है, यस मुजफ्फरनगर, आपको कोई डाउट है पूछिए. क्या डाउट है? अहमदाबाद पूछ रहा है सेंट्रलाइज्ड में कॉस्ट प्राइस ही ट्रांसफर प्राइस होगी. यस, सेंट्रलाइज्ड में कॉस्ट ही ट्रांसफर प्राइस होगी बिकॉज सेंट्रलाइज्ड में उनको कोई लेना देना नहीं होता है. मुजफ्फरनगर, नो डाउट. अच्छा अच्छा, तो ठीक है. What is cost and profit center? So, देखो profit center मतलब जो department का exclusive focus to earn profit है. मेरे department का profit earn करने का motive कब रहेगा? जब वो profit में से मुझे भी कुछ benefit मिले. अगर मैं आप लोग को बोलूं कि articleship में आप लोग का stipend fix है, समझो आप लोग का boss अगर आपको बोले कि तुम्हारे through अगर हमको कोई नया client मिलता है, वो नए क्लाइंट से हमको जो भी रेवेन्यू मिलने वाला है उसका 10% आपको मिलेगा, अब आप क्या करोगे? नया क्लाइंट लाके दोगे कि नहीं लाके दोगे अपने बॉस को? समझ रहे हो? तो अब उसने, आपके बॉस ने आपको क्या बना दिया? एक प्रॉफिट सेंटर बना दिया कि भाई ये इस डिपार्टमेंट, इस बंदे के थ्रू प्रॉफिट अर्न कर सकता है वो, और ये प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ वो यही प्रॉफिट शेयर करेगा सामने वाले के साथ भी. सो आर्टिकलशिप में अगर समझो ये चीज स्टार्ट हो जाए तो प्रॉफिट सेंटर मजा आ जाएगा ना. पटना डिसेंट्रलाइज्ड का एग्जांपल लिखा दो. सो अब वही मैं एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूं, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ जहां पे डिसेंट्रलाइज्ड को अपन लोग डिस्कस करेंगे. जमशेदपुर, तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है? तो कॉस्ट सेंटर क्या करेगा? कॉस्ट सेंटर हर एक चीज कॉस्ट पे ही ट्रांसफर करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जमशेदपुर वो डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हो या नहीं हो. कॉस्ट सेंटर का और एक एक्सक्लूसिव मीनिंग होता है जो अपन जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे ना तब और डिटेल में समझेगा. तो फिलहाल क्या जमशेदपुर आपको प्रॉफिट सेंटर समझ गया? बराबर है, बस होल्ड ऑफ देयर. जब अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे ना तब मैं आपको कॉस्ट सेंटर को और डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि तब अपने को कॉस्ट सेंटर से चीजों को आगे खींचना है. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करेंगे अपन लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं. अब मैं एग्जांपल दूंगा कि नाउ आफ्टर 1995 के बाद की बात चालू हो गई है. जमशेदपुर प्रॉफिट सेंटर मीन जो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्यूटली राइट, परफेक्ट, यही होता है. अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है. तो अभी अपन लोग ने एग्जाम्पल तुम लोग को लिखना है अभी, बट ध्यान से पहले एग्जाम्पल सुन लो फिर लिखना. अभी ध्यान से सुनो, कंपनी का नाम है अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, मास्टर शेफ अमूल. अमूल के तीन डिपार्टमेंट है अपन सबको पता है. अब ये 1995 के बाद की बात कर रहा हूं मैं. क्या बोल रहा हूं? अब मैं 1995 के बाद की बात कर रहा हूं. So, 1995 के बाद अमूल के जो प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंट्रिक एक ही चीज है कलका जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. अमूल की मैं बात कर रहा हूं, 1995 के बाद अमूल के जो डिपार्टमेंट्स है वो कैसे, क्या बेसिस पे वर्कड आउट है? कैन आई से दे आर डिसेंट्रलाइज्ड, दे आर डिसेंट्रलाइज्ड एंड प्रॉफिट सेंटर्ड, they are decentralized and profit centric.
आगे ना, तो प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट सेंट्रिक एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमूल का अब अपन लोग एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे को किसने बोला, पटना ने बोला है सर डिसेंट्रलाइज का एग्जांपल लिखवा दो, वही कर रहे हैं अपन अभी पटना। अमूल डिसेंट्रलाइज्ड एंड प्रॉफिट सेंटर है। अब तो 1995 के बाद की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली, जब सब चीजें डिसेंट्रलाइज एंड प्रॉफिट सेंटर हो गया। अब मेरा ये एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना, आप कुछ नहीं लिखेंगे सिर्फ एग्जांपल को सुनेंगे। मेरे दो डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं पहले लेता हूं केस वन, मैं पहले ले रहा हूं केस वन, सिर्फ आप ध्यान देंगे कुछ नहीं लिखेंगे, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। केस वन कुछ ऐसा है, मेरे दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट वन है मेरा मिल्क डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट टू है मेरा कर्ड डिपार्टमेंट, एंड यहां पे मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर्स, ठीक है ओके। मिल्क डिपार्टमेंट का टोटल कैपेसिटी है, मिल्क डिपार्टमेंट का टोटल कैपेसिटी है 1 लाख लीटर्स। अब मैं ना कुछ चीजें आप लोग के पास से निकलवाऊंगा, कुछ लॉजिक्स है जो मैं आप लोग के पास से निकलवाऊंगा, मैं खाली एग्जांपल लिख रहा हूं एंड देखना लॉजिक आपको डिराइव करके उसको निकालना है। एग्जांपल एग्जांपल से लॉजिक को कनेक्ट करना है, अब अपने को ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करें अपन। मिल्क डिवीजन का टोटल कैपेसिटी है 1 लाख लीटर्स। अब मिल्क डिवीजन का एक्सटर्नल डिमांड, मिल्क डिवीजन का एक्सटर्नल डिमांड है 80,000 लीटर्स। कितना? 80,000 लीटर्स का मिल्क डिवीजन का एक्सटर्नल डिमांड है, ठीक है ओके सर यस। और अब उसको कॉल आता है, किसको? मिल्क डिवीजन को कॉल आता है। तो अभी कहना ही से टोटल कैपेसिटी मिल्क डिवीजन का 1 लाख लीटर्स है, एक्सटर्नल डिमांड उसका 80,000 लीटर्स है, तो मिल्क डिवीजन का स्पेयर कैपेसिटी कितना हुआ बताओ जरा, बोलो बोलो टेल टेल। मिल्क डिवीजन का स्पेयर कैपेसिटी कितना हुआ? 20,000 लीटर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो मिल्क डिवीजन का स्पेयर कैपेसिटी है 20,000 लीटर्स, ये भी मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब कर्ड डिपार्टमेंट मिल्क डिपार्टमेंट को कॉल करता है और बोलता है मिल्क डिपार्टमेंट मेरे को है ना 20,000 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए। वापस से मैं बोलता हूं ध्यान से सुनना, कर्ड डिपार्टमेंट मिल्क डिपार्टमेंट को कॉल करता है और बोलता है कि मेरे को 20,000 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए। सो कैन आई से अब ये मेरा इंटरनल डिमांड हो गया, तो इतना कितना इंटरनल डिमांड आया है कर डिपार्टमेंट ने, कितना इंटरनल डिमांड किया है 20,000 लीटर्स का, कितना 20,000 लीटर्स का। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं व्हाट विल बी द रेंज ऑफ निगोसिएशन, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ निगोसिएशन जिसके हिसाब से आपको मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस बताना है मिल्क डिपार्टमेंट और कर डिपार्टमेंट के लिए, वो सब चीज अपन डिस्कस करें। उसके पहले प्लीज आप ये एग्जांपल लिख लेंगे, सब लोग एग्जांपल लिख लेंगे, प्लीज इसको एग्जांपल को लिख लो। अच्छा और एक चीज मेरे को इधर यहां पे लिखनी बाकी है कि ये केस में मिल्क डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस है 100 एंड इसका टोटल कॉस्ट है 80, टोटल कॉस्ट है 80। तो फटाफट आप लोग ये एग्जांपल लिख लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फटाफट आप लोग ये एग्जांपल लिख लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा प्लीज। लिख लिया, फिर अपन डिस्कशन अभी स्टार्ट करने वाले। इससे पहली वाली स्लाइड में कुछ नहीं है बेटा, लिख लिया ये आप लोग ने एग्जांपल। सो देखो बात कुछ ऐसी है कि केस वन में
टोटल कैपेसिटी ऑफ मिल्क डिवीजन इज 1 लाख लीटर्स, एक्सटर्नल डिमांड 80,000, स्पेयर कैपेसिटी 20,000 एंड इंटरनल डिमांड कॉल आया है कर्ड डिवीजन का कि भाई मेरे को 20,000 लीटर्स चाहिए. मिल्क डिवीजन का सेलिंग प्राइस एंड मिल्क डिवीजन का टोटल कॉस्ट यहां पे उन्होंने दिया है. तो अब अपने को बेस्ड ऑन दिस बताना है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस. वो क्या कैसे आएगा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस वो अपन डिस्कस करेंगे. फिलहाल तुम लोग खाली ये लिख लो. पाली सही जवाब. सब लोग का डन तो मैं आंसर डिस्कशन पे आऊंगा. यस नो मुझे जवाब दे दो प्लीज. रेवाड़ी परफेक्ट सही जवाब. झंडवलान सही जवाब. चलो अब आप लोग का ये लिखना हो गया है. अब मैं आ जाता हूं यहां पे. तो मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के सेंटर्स के आंसर आ गए हैं एंड काफी सारे सही आंसर्स हैं. अब ध्यान से सुनना. यहां पे मेरे को दो ट्रांसफर प्राइस बताना है, एक मिनिमम ट्रांसफर प्राइस और एक मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस. फिर ये निगोशिएट करेंगे इंटरनली एंड देन फिर फाइनली वो लोग का ट्रांसफर प्राइस डिसाइड होगा. अपना रोल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है कि इनका मिनिमम एंड मैक्सिमम एक सेट कर दो. अब यहां पे व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जो मिल्क डिपार्टमेंट कर डिपार्टमेंट से रिकवर करेगा ही करेगा. अब इस चीज पे मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा. कैन आई से दैट इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट. बराबर है. तो मिल्क डिपार्टमेंट बोलेगा भाई कुछ भी हो जाए मैं तेरे को कॉस्ट के नीचे तो बेच ही नहीं सकता. सो कैन आई से रिकवरी ऑफ कॉस्ट. क्या बोला? रिकवरी ऑफ कॉस्ट इज गोइंग टू बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस. सो मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस यहां पे क्या हो जाएगा? रुपीज 80 मिनिमम. ब्यावर मिनिमम पूछा है. 81 आपने लिखा, 81 नहीं आएगा, 80 आएगा. मिनिमम मैं 80 लूंगा. मिनिमम मतलब उतना मैं लूंगा ही लूंगा. हाँ, उससे ज्यादा मैं लेना चाहूंगा वो अलग बात है. क्या आप लोग सब लोग को ये समझ में आ गया मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? रिकवरी ऑफ कॉस्ट. अब इसी में अगर मैं आपको पूछूं कि मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, तो कैन आई से मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? इट विल बी द सेलिंग प्राइस या अपन लोग जो मार्केट से चार्ज कर रहे हैं मैक्सिमम मैं आपके पास से उतना चार्ज करूंगा. अब फाइनल ट्रांसफर प्राइस क्या डिसाइड होता है वो मैं आपको वो चर्चा का विषय है ही नहीं. चर्चा का विषय सिर्फ आपके लिए यही है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या है बस. सो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना आया? रिकवरी ऑफ कॉस्ट 80. मैक्सिमम मिल्क डिपार्टमेंट कितना चार्ज करेगा? सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस से ज्यादा तो नहीं चार्ज करेगा. तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना आ गया बेटा? 100. अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो प्लीज मुझे जवाब दो. यस सर. तो प्लीज फटाफट इस चीज को भी कॉपी कर लो. लिख लो फटाफट, मैं टाइम दे रहा हूं. लिख लो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस रिकवरी ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज रुपीज 100. सो मेरा रेंज ऑफ निगोसिएशन अगर मुझे लिखना है, रेंज ऑफ निगोसिएशन अगर मुझे इधर लिखना है, तो कैन आई से माय रेंज विल बी 80 to 100. कैन आई से माय रेंज विल बी 80 to 100? एनीबॉडी एनी डाउट्स? नो डाउट्स. चलो ठीक है, समझू एवरीवन. चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते. ये तो एकदम सिंपल था, प्लेन वनीला क्वेश्चन था. अब इसमें थोड़ा और मसाला एड करना है मेरे को तो और मजा आएगा. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाऊं. इसी को कनेक्ट करके मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाऊंगा. क्या ये सब लोग ने लिख लिया है? सुल्तानपुर बोल रहा है मार्केट से तो कम में ही देंगे ना. सुल्तानपुर मैंने क्या पूछा? मैक्सिमम कितना चार्ज करोगे? देंगे कितने में वो चर्चा का विषय नहीं है अब तक. मैक्सिमम कितना चार्ज करने वाले हैं अपन? मैक्सिमम वो 100 है. हाँ, कम में देंगे ज्यादा में देंगे वो सब बात की बात है. रेवाड़ी, इफ वी ट्रांसफर एट 80 देन इट इज सेंट्रलाइज.
अग्रीड, तो वो अभी आएंगे उस चीज के ऊपर, फिलहाल मिनिमम मैक्सिमम पे अपना डिस्कशन रखते हैं। जब अपन नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ना, तब ये सब चीजों के तुम्हारे आंसर्स का जवाब आ जाएगा, नॉट टू वरी। अब मैं आता हूं एग्जाम्पल नंबर टू पे, ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर टू कुछ ऐसा ही है, तो इसको अपन नाम देंगे केस टू। केस टू में भी सेलिंग प्राइस मिल्क डिपार्टमेंट का 100 ही है, केस टू में भी इसका टोटल कॉस्ट 80 ही है, इसका टोटल कॉस्ट 80 ही है। चलो अब सेम फटाफट मैं बना लूंगा, आप लोग भी फटाफट अब मेरे साथ साथ लिखते जाओ, मिल्क डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट मेरे साथ साथ लिखते जाओगे आप लोग। यहां पे मैं लिख दूंगा पार्टिक्यूलर्स, ठीक है, साथ साथ में लिखते जाना है आप लोग को, फिर ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। सो पार्टिकुलर्स में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिख देंगे यहां पे टोटल कैपेसिटी। मुझे बताओ, तो टोटल कैपेसिटी मैं इधर लिख रहा हूं मिल्क डिपार्टमेंट का 100,000 liters, ठीक है। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट पॉइंट पे मैं क्या लिखता हूं, एक्सटर्नल डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्या लिखता हूं, एक्सटर्नल डिमांड। अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, एक्सटर्नल डिमांड ये वाले केस में है 90,000 liters, समझू। चलो फिर बाद में आता है, अच्छा अब मुझे बताओ स्पेयर कैपेसिटी कितना रह जाएगा उसके पास, अब मुझे बताओ स्पेयर कैपेसिटी कितना रह जाएगा मिल्क डिवीजन के पास, स्पेयर कैपेसिटी कितना रह जाएगा, बोलो बोलो टेल टेल, मिल्क डिवीजन के पास स्पेयर कैपेसिटी कितना रह जाएगा, बोलो बोलो टेल टेल, 10,000 liters, सही जवाब। इधर अपन लोग लिख देंगे 10,000 liters, ठीक है, ओके। अब यहां पे डिमांड, इंटरनल डिमांड बाय कर डिपार्टमेंट, इंटरनल डिमांड बाय कर डिपार्टमेंट इज 20,000 liters, कितना 20,000 liters का इंटरनल डिमांड है। एंड अब इफ सिचुएशन में अपने को डिटरमाइन करना है व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। समझ रहे हैं तुम लोग को, थोड़ा सा भी कहानी में ट्विस्ट ले आए, बट आप लोग लॉजिकली सोच के आंसर दे रहे हो, वेरी गुड पंचकुला, वेरी गुड रोहतक, शाबाश। फटाफट एग्जाम्पल लिख लिया तो मैं डिस्कशन चालू करता हूं। ब्यावर 100 पूरे के लिए, मुजफ्फरनगर बोल रहे हैं मिनिमम है मैक्सिमम इज 100, नो। स्टार्ट करूं मैं अभी, जमशेदपुर, सबको जवाब देना है, वेयर आर अदर्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन, सब लोग ने क्वेश्चन लिख लिया ना बेटा, बस ठीक है। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले अपने को डिटरमाइन करना है व्हाट इज गोइंग टू बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, बराबर है। अब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मतलब कैन आई से रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है अपना, तो बाय डिफॉल्ट रिकवरी ऑफ कॉस्ट, सो बाय डिफॉल्ट कैन आई से मैं यहां पे स्वरूप नगर, सही जवाब। बाय डिफॉल्ट रिकवरी ऑफ कॉस्ट मतलब कैन आई से मैं सबसे 80 rupees तो चार्ज करने ही वाला हूं ये 20,000 liters के ऊपर, अरे हां कि ना। बट अब अगर आप देखोगे तो यहां पे थोड़ा अपने को कहानी में ट्विस्ट किया है, तो कहानी में क्या ट्विस्ट किया है तो ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये मिल्क डिवीजन प्रॉफिट सेंटर डिवीजन है या नहीं, यस और नो में जवाब दो, क्या ये मिल्क डिवीजन प्रॉफिट सेंटर डिवीजन है या नहीं। मैंने तुमको एग्जांपल के पहले ही बोल दिया था ये डिसेंट्रलाइज सेंटर है एंड प्रॉफिट सेंट्रिक है, तो अगर वो प्रॉफिट सेंट्रिक है तो कहना ही से वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट रिकवर करना चाहेगा। तो बात क्या होगी अब ध्यान से सुनना, यहां पे मिल्क डिवीजन बोलेगा कि देख कर डिवीजन तेरे को 20,000 liters का मिल्क चाहिए, तो जो मिनिमम ट्रांसफर है मैं 10,000 liters अगर मैं देखता हूं तो 10,000 liters मेरा स्पेयर कैपेसिटी है,
अगर मैं देखूं तो 10,000 लीटर मेरा स्पेयर कैपेसिटी है, तो ये जो मेरा 10,000 लीटर का स्पेयर कैपेसिटी है, ये जो मेरा 10,000 लीटर का स्पेयर कैपेसिटी है, उसके लिए तो मैं तेरे को कॉस्ट चार्ज करूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 10,000 के लिए मैं तेरे पास 80 रुपीज चार्ज करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कैन आई से, देख भाई, मेक अ डिवीजन, एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिट सेंट्रिक डिवीजन हूं, एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिट सेंट्रिक डिवीजन हूं। तो ये वाला जो 10,000 लीटर्स है, कैन आई से मैं ये मार्केट में बेच रहा था, और अगर मैं मार्केट में बेचता हूं तो कैन आई से मैं 100 रुपीज इसके ऊपर कमाऊंगा। तो अगर मैं 100 रुपीज में बाहर कमा रहा हूं ये 10,000 लीटर्स के ऊपर, तो मिनिमम मैं तेरे से भी उतना ही एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट सेंट्रिक हूं। तो क्या मैं मेरा एक पैसे का भी प्रॉफिट छोड़ना चाहूंगा क्या? द आंसर इज नो। सो कैन आई से ये वाला जो 10,000 है उसको मैं 100 में बेचूंगा, और ये वाला जो 10,000 है उसको मैं 80 में बेचूंगा। तो अगर मैं इसको एवरेज आउट करूं, अगर मैं इसको एवरेज आउट करूं, तो 10,000 इंटू 80, कैलकुलेटर्स इन योर हैंड, 10,000 इंटू 80 कितना हो गया? कैन आई से 8 लाख रुपीज मैं इसका ले लूंगा, और 10 लाख रुपीज मैं, कैन आई से 10 लाख रुपीज मैं ये बचे हुए 10,000 का ले लूंगा। टोटल मैं 18 लाख रिकवर करने वाला हूं फॉर 20,000 लीटर्स। सो मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? 8 लाख प्लस 10 लाख, 18 लाख डिवाइड बाय 20,000 इक्वल टू रुपीज 90। समझे? ऐसे गेम बदलता है। कहां पे ऐसे गेम बदलता है? इन अ प्रॉफिट सेंट्रिक डिसेंट्रलाइज्ड डिवीजन, इंदौर, सुपर, रोहतक, सही जवाब, झंडेवालान, जमशेदपुर, सुल्तानपुर, शास्त्री नगर, अहमदाबाद, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, कालका जी, सही जवाब। क्या आप लोग को ये समझ में आया? क्या मैं अज्यूम कर लूं कि आप लोगों को समझ में आया? जिसको भी नहीं समझ में आया प्लीज मेरे को बता देना, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे भी मैं वापस एक्सप्लेन करने ही वाला हूं, बट अगर कोई नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। मुजफ्फरनगर, यस सुपर, सबास, पाली आ गया। तो अगर आपको यह समझ में आ गया है तो प्लीज आप इसको कॉपी कर लो, झटझट इसको कॉपी कर लो। चलो, पुणे पूछ रहे हैं सर एवरेज क्यों किया, मतलब अभी देख पुणे अपन क्या करेंगे, प्रयागराज, अरे वेलकम। सो पुणे अपन लोग इसको एवरेज क्यों करेंगे, तो देख क्या होगा पता है अपन को, कर्ड, सिरसा, यस आई विल रिपीट इट अगेन, डोंट वरी। पुणे अपन लोग इसको एवरेज आउट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कर्ड डिपार्टमेंट को तो अपने को एक ही प्राइस बोलना है ना, उसको ऐसा थोड़ी बोलेंगे अरे सुनना 10,000 के लिए तू 80 रुपीज दे दे और बाकी के 10,000 लीटर्स के लिए तू मुझे 100 दे दे। तो अपन उसको एक ऐसा प्राइस देंगे, एक ही प्राइस देंगे, उसको बोलेंगे 20,000 लीटर्स चाहिए तेरे को, मिनिमम 90 रुपीज देना पड़ेगा, खत्म। तो उसमें अपन दोनों का चीज अपना क्लियर हो गया, समझे? परफेक्ट। सिरसा रिपीट, यस, 2 मिनट दे दो, मैं पूरा वापस से रिपीट करूंगा। चलो, तो अब मैं वापस से पूरा का पूरा रिपीट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना सिरसा, ध्यान से सुनना। अब अपने को बात कुछ ऐसी है कि अब अपने को यहां पे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करना है। सो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अपना ऑलवेज क्या होगा भाई? रिकवरी ऑफ कॉस्ट ओपन करेंगे। सो अपन बोलेंगे कि भाई देख, टोटल 20,000 लीटर्स ट्रांसफर होने वाला है, टोटल 20,000 लीटर्स ट्रांसफर होने वाला है। सिरसा जवाब दो, 20,000 लीटर्स ट्रांसफर होने वाला है? यस सर। ये 20,000 लीटर्स में से 10,000 लीटर्स मैं मेरे स्पेयर कैपेसिटी में से दूंगा, बराबर, ठीक है। बाकी का जो 10,000 लीटर्स है, कैन आई से वो मैं मार्केट में बेच रहा हूं, क्योंकि मेरा अब एक्सटर्नल डिमांड 90,000 लीटर्स का है। हाँ, जमशेदपुर में टाइम दूंगा, 2 मिनट में को एक बार वापस समझाने दो ना, फिर मैं लिखवाने का टाइम दूंगा। सिरसा 10,000 मेरा स्पेयर कैपेसिटी है, तो ये तो इसमें तो मैं कुछ लूज आउट नहीं कर रहा हूं, बट ये वाला जो 10,000 है, कैन आई से वो मैं मेरा एक्सटर्नल डिमांड सेक्रीफाइस करके यहां पे तुमको देने वाला हूं। सो जो मेरा स्पेयर कैपेसिटी है उसमें तो मैं मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, जो एक्चुअली मेरा कॉस्ट है, वो ही मैं आपसे रिकवर करूंगा, विच इज रुपीज 80। बट जो मेरा 10,000 में एक्सटर्नल डिमांड को सैक्रिफाइस करने वाला हूं, अब मैं प्रॉफिट सेंट्रिक ठहरा,
मैं डिसेंट्रलाइज्ड डिवीजन हूं, तो अगर मैं डिसेंट्रलाइज्ड प्रॉफिट सेंट्रिक हूं देन इन दैट केस मैं मेरा एक्सटर्नल डिमांड सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो वो जो मेरा अपॉर्चुनिटी जा रहा है, मैं वो 10,000 से 100 रुपए कमा लेता, तो अब मैं आपको बोलूंगा देखो मैं प्रॉफिट सेंटर हूं, मैं आपसे एक्स्ट्रा नहीं कमाऊंगा, बट जितना मैं बाहर से कमा रहा था एटलीस्ट उतना तो मैं आपसे कमाऊंगा ही कमाऊंगा, तो कहना ही से ये मैं फिर आपको 100 पे बेचूंगा, क्योंकि ये 10,000 लीटर्स के ऊपर मैं कितना कमा रहा हूं, 100 रुपीज। देखो देखो यहां पे मैंने ऐसा नहीं किया था, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने सीधा 80 लिख दिया था, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा 20,000 मेरे पास स्पेयर है, तो अगर पूरा का पूरा 20,000 मेरे पास स्पेयर ही है तो मैं कुछ एक्सटर्नल डिमांड तो लूज आउट ही नहीं कर रहा हूं, अगर मैं कुछ एक्सटर्नल डिमांड लूज आउट ही नहीं कर रहा हूं तो मैं आपको मेरे कॉस्ट पे बेच सकता हूं, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं उस पे ट्रांसफर करूंगा, बट मिनिमम मैं उतने पे आपको बेच सकता हूं। बट सिचुएशन टू में, केस टू में कहानी बदल चुकी है, तो अगर यहां पे कहानी कुछ ऐसी है कि ये 10,000 जो मेरा एक्सटर्नल डिमांड है उधर से मेरे को सेक्रीफाइस करके आपको देना है, तो वहां से मैं 100 कमा रहा था, तो मैं प्रॉफिट सेंटर डिवीजन हूं, तो प्रॉफिट सेंटर डिवीजन हूं तो मैं उतना आपसे एक्सपेक्ट करूंगा मिनिमम कि भाई जितना मेरा छूट रहा है उतना आप मेरे को कमा के दो। सो 10,080 मतलब 8 लाख यहां पे, प्लस 10,100 मतलब 10 लाख यहां पे, तो टोटल 18 लाख मेरे को चाहिए आपसे, 18 लाख रुपए फॉर हाउ मेनी लीटर्स, 20,000 लीटर्स, सो इससे पर लीटर का एवरेज प्राइस आ गया, एंड ये मैं आपसे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एक्सपेक्ट करूंगा, एंड यही चीज मैंने यहां पे लिखवाया है, समझू गुडू। सिरसा मुझे आप लोग की तरफ से एक यस चाहिए, आप लोगों को समझ में आया, अदरवाइज मैं वापस रिपीट करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे ना आप लोग, यहां पे ये जो 10,000 लीटर्स है ना, इधर मेरा गेम बदल रहा है, ये 10,000 लीटर्स मैं मेरा एक्सटर्नल डिमांड सेक्रीफाइस करके तुमको दे रहा हूं, और अगर मैं ये तुमको दे रहा हूं देन इन दैट केस मैं मेरा एक्सटर्नल डिमांड अगर ट्रांसफर बोलते ना सेक्रीफाइस करके दे रहा हूं देन इन दैट केस मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे उतना अर्न करके दो विच इज 100 रुपीज, तो वो अब मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा। एंड देखो ये डिसेंट्रलाइज होने की वजह से ये सब हो रहा है, अब यही अगर मेरा सेंट्रलाइज्ड कॉस्ट डिवीजन होता, सिरसा बोल रहा है इसका मतलब सबसे पहले स्पेयर वाला स्टॉक निकालेंगे, बिल्कुल सही जवाब, अपन लोग ने यहां पे भी तो बेटा यही किया ना, स्पेयर वाला जो 20,000 था वो उसको दे दिया, तो हमेशा अपन पहले स्पेयर वाला निकालेंगे, तो इसके लिए स्पेयर कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट हर सम में अपने को निकालना है। अहमदनगर कड़क जय बात अहमदनगर चांगली गोष्ट, चलो सब में क्या बोल रहा था, तो हाँ ये हो गया अपना रिकवरी ऑफ कॉस्ट, एंड यहां पे जो मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहा था वो भी मैं रिकवर कर लिया। हाँ सो अगर मेरा सेंट्रलाइज डिवीजन होता ना तो मैं इतना सब सोचता ही नहीं, तो छोड़ना क्या फर्क पड़ रहा है, चलना मेरा बाहर का अगर मेरा 100 रुपीज की जगह मैं नहीं भी उसको बेचा तो मैं तेरे को 80 में बेचा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, सेंट्रलाइज डिवीजन में मेरा थिंकिंग वैसा था, बट अब डिसेंट्रलाइज में मेरा थिंकिंग वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं प्रॉफिट सेंट्रिक हूं, जितना मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा उतना मेरे को कंपनी बोनस देगी, प्रॉफिट देगी, तो उसके लिए अब मैं बोलूंगा कि भाई मेरा अगर कुछ मैं लूज आउट कर रहा हूं तो वो मैं तेरे से एक्सपेक्ट करूंगा कि तू मुझे रिकवर करके दे। एवरीबॉडी समझ में आ गया, अगर आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा, तो प्लीज मैं कहानी को आगे बढ़ा देता हूं, तो प्लीज सब लोग मेरे को सब लोग का जवाब चाहिए भाई, सब लोग का जवाब नहीं है, बिलवाड़ा यस, शाबाश, मुजफ्फर डन, सूरत डन, सुल्तानपुर रेवाड़ी पटना सुल्तानपुर शास्त्री नगर कालका जी इंदौर बोरेवली अंधेरी, सो रहे हो क्या तुम लोग, जवाब दो, और कौन था, जोधपुर सहारनपुर डन, जोधपुर का भी जवाब नहीं आया, कमऑन कीप आंसरिंग, ब्यावर समझ में आ रहा है कि नहीं, जमशेदपुर पुणे सवास, चलो अब आते हैं मैक्सिमम टीपी के ऊपर, जनकपुरी, नहीं नहीं याद है जनकपुरी भाई, तुम तो खास हो, तुम्हारी आवाज गूंज रही है यहां पे, चलो अहमदाबाद यस सर यू रॉक थैंक यू सो मच सुल्तानपुर, अच्छा अब मेरे को बताओ मैक्सिमम टीपी क्या होगा, मिनिमम टीपी सब लोग को समझ में आ गया है,
मिनिमम टीपी सब लोग ने लिख भी लिया है, मैक्सिमम टीपी क्या होगा कि नहीं से, वो तो एकदम सिंपल है, मैक्सिमम तो मैं कितना चार्ज करूंगा कि नहीं से मेरा एक्सटर्नल प्राइस होगा या मेरा जो मार्केट प्राइस होता है वो मैं चार्ज करूंगा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो मेरा मैक्सिमम प्राइस का जो रीजनिंग है वो यही रहेगा दैट मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा बेटा, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होगा मेरा सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस जो कि कितना है, विच इज इक्वल टू रुपीज 100। मैं अभी भी बोल रहा हूं ये अपना निगोसिएशन का रेंज आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ट्रांसफर प्राइस फाइनल हो गया, नहीं, बट अगर मेरे को ट्रांसफर प्राइस सेट करना है तो ये केस टू में मैं मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस 90 के नीचे नहीं रखूंगा और मैं मेरा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस 100 के ऊपर नहीं रखूंगा। दिस इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ निगोसिएशन। अब फाइनली होगा कितना वो बाद में अपन देखेंगे, तो अपने को क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं, मैं तुम लोगों को ये पूछी ना व्हाट इज द ट्रांसफर प्राइस, नो आई डोंट वांट दैट, मुझे सिर्फ बता दो कि व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज 90, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इज 100। रेवाड़ी बोल रहा है सर थोड़ा स्लो चल रहा है सिलेबस, होगा क्या, अरे होगा, कभी भी याद रखना बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल पे अगर अपन ज्यादा टाइम देंगे ना तो ऑटोमेटिकली बाकी की चीजें अच्छी तरह से और फटाफट समझ में आएगी, ठीक है। सो प्लीज हैव पेशेंट एंड अपन लोग उसको प्रॉपरली कर लेंगे, नॉट टू वरी। बाकी फास्ट पढ़ाने में मेरा क्या जाता है, मैं तो फास्ट पढ़ाऊंगा तो जल्दी मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, बट आई एम टीचिंग दिस इन डिटेल स्लोली बिकॉज ये बेसिक है, अगर ये फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ ना आगे हाई लेवल सम्स में प्रॉब्लम होगा, एंड अगर ये बेसिक अभी क्लियर हो गया ना ऑटोमेटिकली सम्स देखना अपन क्या सही अच्छे स्पीड पे जाएंगे। बाकी सब लोग का बोल रहे वो लोग कि सही स्पीड जा रहा है, सो रेवाड़ी प्लीज अंडरस्टैंड दैट बेसिक स्ट्रांग रखेंगे, बेसिक में जितना ज्यादा टाइम जाएगा उतना अच्छा है, बट बाद में जब सम्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। चलो जोधपुर सही स्पीड है, थैंक यू सो मच। मुजफ्फरनगर सही स्पीड है, थैंक यू सो मच। तो अभी कहना इसे मेरा केस टू भी क्लियर हो गया है, क्या सब लोग ने केस टू लिख लिया है, कालका जी मस्त समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट। चलो अब अपन लोग आते हैं केस थ्री के ऊपर, क्या तुम लोग अब केस थ्री सोच सकते हो क्या होने वाला है, अब तुम लोग भी सोच पा रहे हो क्या होने वाला है केस थ्री। सो अगेन केस थ्री में भी मेरा सेलिंग प्राइस वही 100 रहेगा, मेरा कॉस्ट यही 80 रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि केस थ्री, अहमदाबाद बोल रहा है होमवर्क, नहीं बेटा होमवर्क के लिए आगे और बहुत सारी क्वेश्चंस है मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं कैसे होमवर्क में दे दू, नो बेटा। चलो अब यहां पे अपन लोग लिखते हैं मिल्क एंड यहां पे अपन लोग लिख ले हैं कर्ड। अब तुम लोग को खुद को भी पता चल गया है कि मैं एग्जाम्पल में क्या लिखने वाला हूं, तो फटाफट अभी अपन लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे पार्टिक्यूलर्स। सो अब यहां पे जमशेदपुर सही है, पूरा एक्सटर्नल डिमांड होगा। सो अभी फटाफट इधर मैं बोलता हूं मेरा हाँ टोटल कैपेसिटी से अपन लोग ने स्टार्ट किया था, सो इधर मैं लिख रहा हूं, तुम लोग भी साथ साथ में लिखते जाओ तो पेस अच्छा बना रहेगा। सो टोटल कैपेसिटी कितना है बेटा, टोटल कैपेसिटी अपना होगा अभी 1 लाख लीटर, कर्ड का कुछ भी नहीं। उस टोटल कैपेसिटी के बाद क्या होगा, एक्सटर्नल डिमांड, क्या लग रहा है एक्सटर्नल डिमांड क्या होगा, देखो तुम लोग क्या लेवल पे आ गए हो, तुम लोग खुद प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि अब क्वेश्चन क्या आने वाला है, समझ रहे हो। तू बेसिक स्ट्रांग रहेगा ना, यू योरसेल्फ विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर ओन। मिल्क डिपार्टमेंट का कैपेसिटी एक्सटर्नल डिमांड होगा 1 लाख लीटर, अहमदाबाद 70,000 लिखूंगा तो फर्स्ट केस जैसे ही हो जाएगा ना बेटा, फिर क्या अलग हुआ उसमें, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अब क्या होता है, स्पेयर कैपेसिटी और इंटरनल डिमांड। स्पेयर कैपेसिटी तो देख के पता चल गया मेरे को, स्पेयर कैपेसिटी क्या होता है, टोटल कैपेसिटी माइनस एक्सटर्नल डिमांड। सो स्पेयर कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी माइनस एक्सटर्नल डिमांड, स्पेयर कैपेसिटी कितना है, जीरो, क्या है, जीरो। एंड लास्ट में इंटरनल डिमांड, अब फोन आएगा अपने को किसका, कर डिपार्टमेंट का फोन आएगा, कर डिपार्टमेंट बोलेगा कि सर हमको 20,000 liters ऑफ मिल्क चाहिए, अपने को 20,000 liters ऑफ मिल्क चाहिए, बराबर है। तो अपन उसको बोलेंगे नो प्रॉब्लम बाड़ी, वी विल गिव यू 20,000 liters ऑफ मिल्क, वी विल गिव यू 20,000 liters ऑफ मिल्क, नो प्रॉब्लम। अब आप मेरे को बताओ मिनिमम एंड मैक्सिमम का रेंज अपने को फाइंड करना है, यहां पे फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस,
क्या अब मेरे पास कुछ भी स्पेयर कैपेसिटी है, क्या अब मेरे पास कुछ भी स्पेयर कैपेसिटी है? द आंसर इज नो. सो अब मेरे पास अगर कुछ भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है एंड अगर मैं प्रॉफिट सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रिक डिवीजन हूं, देन इन दैट केस कैन आई से, मैं बोलूंगा ये 20,000 लीटर्स पूरा का पूरा मेरे को तो मेरा मार्केट डिमांड सेक्रीफाइस करके आपके लिए लाना पड़ेगा. और अगर मैं पूरा का पूरा मेरा मार्केट डिमांड सेटिस्फाई कर रहा हूं, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तो मैं बिकॉज मैं प्रॉफिट सेंट्रिक डिसेंट्रलाइज्ड डिवीजन हूं, मैं मेरा 20,000 का पूरा एक्सटर्नल डिमांड को सैक्रिफाइस करके आपको दूंगा, तो उतना मैं आपसे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एक्सपेक्ट करूंगा, विच विल बी ₹100. सिंपल था ये, समझ गए? और अब मेरा आ जाता है मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, विच इज ऑल्सो ₹100. समझिगड़ू? सो कैन आई से यहां पे अगर मेरे को मिन टू मैक्स लिखना है तो मिन टू मैक्स क्या होगा? 100. तो यहां पे तो स्कोप फॉर निगोसिएशन है ही नहीं, एंड बाय डिफॉल्ट अपने को क्या लेना पड़ेगा? जी हाँ, सही जवाब, अपने को 100 ही लेना पड़ेगा. क्लियर हो गया सब लोगों? रोहतक, सही जवाब, वेरी नाइस. चलो लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट, फिर अब यहां से अपने को क्या चीजें समझ में आई वो सब चीजें मैं बताऊंगा. चलो सिरसा बोल रहा है रिपीट, चलो ध्यान से वापस से इसको रिपीट करते हैं. मिल्क डिपार्टमेंट का टोटल कैपेसिटी है 1 लाख लीटर्स, एक्सटर्नल डिपार्टमेंट का टोटल कैपेसिटी है 1 लाख लीटर्स, बराबर है. सो अब मेरे पास कुछ भी स्पेयर है क्या सिरसा? सिरसा मेरे पास कुछ भी स्पेयर है क्या बेटा? नहीं, मेरे पास कुछ भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है. तो अब अगर मेरे पास कोई भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, देन इन दैट केस कैन आई से मेरे को मेरा एक्सटर्नल डिमांड सैक्रिफाइस करके आपको देना पड़ेगा, कर डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा. तो अगर मैं मेरा एक्सटर्नल डिमांड को सैक्रिफाइस करूंगा, अगर मैं मेरे एक्सटर्नल डिमांड को सैक्रिफाइस करूंगा, देन इन दैट केस मेरा एक्सटर्नल डिमांड में मेरे को कितना पैसा मिल रहा था? ₹100 मिल रहा था एक लीटर के ऊपर. 20,000 लीटर्स अगर मेरे को आपको ट्रांसफर करना है तो पूरा का पूरा एक्सटर्नल डिमांड मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अगर मेरे को पूरा का पूरा एक्सटर्नल डिमांड सैक्रिफाइस करना है तो मैं वहां से जितना कमा रहा था वो सब मैं अब आपको बोलूंगा रिकवर करके देने को. आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट सेंट्रिक हूं. तो मुझे बाहर से अगर ₹100 मिल रहे हैं ये सब 20,000 के लिए, तो मैं आपसे भी उतना ही एक्सपेक्ट करूंगा. केस वन में मेरा 20,000 पूरा का पूरा स्पेयर था, तो मुझे बाहर से वैसे भी वो 20,000 के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैं आपसे खाली कॉस्ट रिकवर कर रहा हूं क्योंकि मैं वैसे भी कुछ नहीं कमा रहा था. बट अब तो मैं ये 20,000 के ऊपर ₹100 कमा रहा हूं ना, तो मिनिमम आपको बेटा उतना देना ही पड़ेगा. एंड मैक्सिमम तो ऑब्वियसली जितना मैं बाहर से ले रहा हूं उतना मिल जाएगा. समझू सिरसा? प्लीज मेरे को जवाब दो बेटा, वरना मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पुणे बोल रहा है सर मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस एसपी रहेगी क्या? थोड़ा सा रुक जाओ, उस पर भी आएंगे अपन लोग. समझ गए, वेरी गुड. जोधपुर समझ गए, वेरी गुड. सिरसा जवाब नहीं आया आपका. इफ एक्सटर्नल डिमांड इज मोर देन कैपेसिटी, सेम चीज होगा पटना. अहमदाबाद गेट इट, समझ गए. बीकानेर समझ गए. सिरसा सर केस में तो हम कंफर्म होंगे ना कि टीपी, इस केस में तो हम कंफर्म होंगे ना कि टीपी 100 ही होगा? यस, कंफर्म होंगे, परफेक्ट. ठीक है, अब और आते जाएंगे वेरिएशंस, थोड़ा तुम लोग पेशेंस तो रखो. फिलहाल सिर्फ मैं जो बता रहा हूं वो ही उसका जवाब ले लो, फिर बाद में और जो भी वेरिएशंस आएंगे वो सब चीज मैं बताऊंगा. ओके सिरसा, समझ गया. आप लोग ने लिख लिया? एवरीवन समझ में आ गया? परफेक्ट. सो इसी के साथ डिसेंट्रलाइज्ड प्रॉफिट सेंटर में क्या सिनेरियो होता है वो सब मैं आपको तीनों एग्जांपल लिखा चुका हूं. सो मेरा फंडामेंटल क्या है, पहले मैं क्या लिखाता हूं? पहले मैं आपको एग्जांपल लिखाता हूं. एग्जाम्पल के बाद मैं क्या करता हूं? कॉन्सेप्ट डेरिवेशन पे आता हूं. टॉलीगंज कहां पे हो? सो अब अपन लोग कुछ कॉन्सेप्ट डिराइव करने वाले हैं. ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना. कॉन्सेप्ट अब अपन लोग डिराइव करेंगे, ध्यान से मेरे को जवाब देना. केस वन, कैन आई से केस वन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ ऐसा था. रेवाड़ी पूछ रहा है कैन वी कैन ट्रांसफर एट रेंज प्राइस नॉट एट मिनिमम. हाँ, जरूरी नहीं है मिनिमम पे ट्रांसफर होगा या मैक्सिमम पे, वो रेंज निगोशिएशन होगा, फिर उस हिसाब से वर्कआउट होगा, उसके ऊपर आएंगे. वो थोड़ा एडवांस लेवल चीज है, थोड़ा आप लोग पेशेंस रखो, आएगा. केस वन क्या था? सब लोग मेरे को बोलो केस वन क्या था. सर अगर एक्सटर्नल डिमांड अधिक होगी तो सेल प्राइस भी अफेक्ट होगा या नहीं? नहीं होगा, सेल प्राइस तो वही रखना पड़ेगा जो मार्केट में चल रहा है.
केस वन, अभी अपन लोग कॉन्सेप्ट डिराइव कर रहे हैं बेटा, केस वन क्या है? करेक्ट, केस वन है व्हेन वी हैव, व्हेन वी हैव फुल स्पेयर कैपेसिटी, ए बराबर की नहीं, व्हेन वी हैव फुल स्पेयर कैपेसिटी, बराबर की नहीं, या जैसा इधर लिखा है पाली ने बराबर है, केस वन इज इक्वल टू स्पेयर कैपेसिटी इक्वल टू इंटरनल डिमांड, करेक्ट सुल्तानपुर, व्हेन वी हैव फुल स्पेयर कैपेसिटी, व्हेन वी हैव फुल स्पेयर कैपेसिटी, तो अगर मेरा फुल स्पेयर कैपेसिटी है तो एफए सिचुएशन में अपन लोग ने मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या लिया था बेटा, अपन लोग ने मिनिमम ट्रांसफर प्राइस लिया था रिकवरी ऑफ कॉस्ट, समझियो, एंड अपना मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या था बेटा, अपना मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस था सेलिंग प्राइस, या जिसको अपन कहते हैं मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस वर्ड नहीं लिखते, अपना मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इन फर्स्ट केस क्या था बेटा, मार्केट प्राइस, समझ में आ गया, देखो टॉलीगंज मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया था सो दैट कॉन्सेप्ट अब खुद अपन डिराइव कर पा रहे हैं, समझ रहे हो, अब मैं सीधा कॉन्सेप्ट समझाता और फिर एग्जांपल समझाता तो क्या अपन लोग ये चीज डिराइव कर पाते खुद से, नहीं, तो दैट इज द रीजन, पहले एग्जांपल और फिर कॉन्सेप्ट, बट हाँ कुछ जगहों पे वाइस वर्सा भी होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली लिखना है सुल्तानपुर, एवरीबॉडी प्लीज राइट दिस डाउन, प्लीज राइट दिस, समझ में आया कॉन्सेप्ट अपन लोग ने कैसे डिराइव किया, केस वन व्हेन वी हैव फुल स्पेयर कैपेसिटी, तो अपन लोग ने क्या किया, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, सुगत डन, सरस रेवाड़ी गॉट इट, नाइस पटना डन, सबास अहमदाबाद डन, दिल्ली ब्यावर डन, बिलवाड़ा डन, चलो कैन आई मूव ऑन टू केस टू, जोधपुर डन, नाइस कैन आई मूव, अरे बोलो बोलो, टेल टेल जनकपुरी सर आगे बढ़िए, ओके थैंक यू सो मच, चलो अब अपन लोग आते हैं केस टू के ऊपर, केस टू क्या था आप मुझे बताओगे, केस टू क्या था, पार्शियल स्पेयर कैपेसिटी, वेरी गुड पंचकुला, सो केस टू में अपन लोग बोलेंगे पार्ट स्पेयर एंड पार्ट फुल्ली ऑक्यूपाइड, बराबर है, पार्ट स्पेयर एंड पार्ट फुल्ली ऑक्यूपाइड, ए बराबर की नहीं, पार्ट पार्शियल स्पेयर कैपेसिटी, जैसा बिलवाड़ा ने बोला, पंचकुला ने बोला, बिल्कुल सही जवाब, सो केस टू अपना क्या था, पार्ट स्पेयर कैपेसिटी एंड पार्ट फुल्ली ऑक्यूपाइड, अब एफए सिचुएशन में अपना मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या रे वो होगा, एफए सिचुएशन में अपना मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या रे वो होगा, तो अपना मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अपन लोग ने बोला कि जो स्पेयर कैपेसिटी है वो जाएगा एट कॉस्ट, एंड जो ऑक्यूपाइड वाला पार्ट है वो जाएगा एट मार्केट प्राइस, और इन दोनों का एवरेज आ जाएगा, परफेक्ट पाली, वेटेड एवरेज, सही जवाब, समझ में आ गया, देखो अब कितना इजीली अपन लोग कॉन्सेप्ट को डिराइव कर पा रहे हैं, दिस इज जनकपुरी रापचिक, सही बोले ला भाई, सही बोले ला भाई, एकदम सही जा रहा है, चलो ये अभी क्लियर गाइस, समझ में आ गया, अच्छा इस सिचुएशन में मेरे को बताओ मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस तो अभी भी अपना वही है ना, क्या है मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, सर मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस है मार्केट प्राइस, समझ गड़ू, यस सर, अच्छा सर लिखने दीजिए, ओके बेटा लिख लो, पुणे सर चार्ट या समरी है क्या रिवीजन के लिए, अरे पुणे अभी तो स्टार्ट हुआ है रे भाई, समरी आएगा, सब मिलेगा बेटा, इनफैक्ट मैं क्या बोलूंगा पता है क्या, समरी तुम लोग मुझे बना के दो, मैं क्यों बनाऊ, मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है, सो नाउ सीए फाइनल में हो तुम लोग, सो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू मेक समरी ऑन योर ओन, नो तुम लोग मुझे बना के दो और बोलो सही सही जवाब सर, चलो यस डिवाइड बाय टोटल इंटरनल डिमांड, सो एवरेज विल बी बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल डिमांड, एवरेज या वेटेड एवरेज
उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको वेटेड एवरेज भी बोल देंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे अभी और भी आएगा, कोई टेंशन नहीं है। अहमदाबाद बोलता है सब कुछ हम ही करें। ए भाई सब कुछ क्या, अरे ये सब समझा तो मैं ही रहूंगा हीरो, बस सिर्फ समरी बनाने को बोला है। सिरसा हम बना के देंगे, शाबाश। चलो हो गया मेरा केस टू, अब लास्ट पे आ रहे अपन लोग केस थ्री पे। केस थ्री क्या है रे बेटा, अहमदाबाद यस फुल्ली ऑक्यूपाइड। तो केस थ्री है मेरा फुल्ली ऑक्यूपाइड, जिसको अपन बोलेंगे नो स्पेयर कैपेसिटी, जिसको अपन बोलेंगे नो स्पेयर कैपेसिटी, बराबर है। अब एफए सिचुएशन में अपन लोग ने क्या चीज डिराइव कर ली थी बेटा, बोलो बोलो। सो अपना मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना था एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना था। सो कैन आई से मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज मार्केट प्राइस एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इज ऑल्सो मार्केट प्राइस। टॉलीगंज अब समझ में आया बेटा, क्यों अपन लोग पहले एग्जांपल और फिर कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। देख एग्जांपल समझ गया तो कॉन्सेप्ट अपन खुद डिराइव कर पा रहे हैं, एंड अगर कॉन्सेप्ट अपन खुद डिराइव कर पाते हैं ना, देन इन दैट केस इस चीज को कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, दैट इज द रीजन। ठीक है चलो शाबाश। क्या आप लोग सब लोग ने लिख दिया केस थ्री भी, एवरीबॉडी इज क्लियर, सो फार सो गुड। ठीक है तो अभी अपने पास 10 मिनट बचा है, तो ये 10 मिनट के लिए क्या करेंगे अपन। ठीक है अभी 10 मिनट बचा है, तो अभी ज्यादा कुछ तो मैं इसमें और करवाना नहीं चाहूंगा, डोंट वरी। अपन लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बिलवाड़ा बोल रहा है गपशप, वाह उसके लिए तुमने मुझे फीस दिया है क्या, नहीं भाई। अहमदाबाद बोल रहा है सॉन्ग, फटाफट मैं अभी रिवाइज करवा रहा हूं, तुम लोग का ये लिख के हो गया क्या। चलो क्विकली वी विल रिवाइज, आज जो भी अपन लोग ने पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। सो बात कुछ ऐसी हुई थी कि अपन लोग ने ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर स्टार्ट किया, तो ट्रांसफर प्राइसिंग या चैप्टर नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 9 सॉरी जो है, उसमें अपन लोग को क्या चाहिए, अपने को हमेशा याद रखना है कि अपन लोग बिजनेस कर रहे हैं, एंड बिजनेस किसके ऊपर फोकस्ड होता है, प्रॉफिट के ऊपर। अगर वो प्रॉफिट के ऊपर फोकस्ड है, एक सेकंड, मैं ना कल कुछ चीजें लिखकर लाया था जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, तो वो अभी मैं जाने के पहले फटाफट डिस्कस कर लूंगा। ये देखो तुम लोग के लिए मैंने कुछ चीजें लिखकर लाया था और ये कल मैं डिस्कस ही नहीं कर पाया, तो मैं भी फटाफट डिस्कस कर लूंगा, बट पहले मैं रिवाइज कर लेता हूं 2 मिनट, फिर डिस्कशन करूंगा और फिर बाद में छुट्टी हो जाएगी, डोंट वरी। चलो तो अपन लोगों को प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट होता है बुक कब मिलेगा, 2 मिनट रुक जाओ बता दूंगा। सेल्स माइनस कॉस्ट, तो सेल्स क्या है, सेल्स इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक मार्केट दूसरा इंटरनल ट्रांसफर के बेस पे। तो जब इंटरनल ट्रांसफर के बेस पे प्राइस डिसाइड होता है उसको अपन कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। इंटरनल ट्रांसफर मतलब when one department जिसको अपन ट्रांसफर डिवीजन कहते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर ही डिपार्टमेंट को, तो वो जो ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं इंटरनल ट्रांसफर, एंड उसमें जो प्राइस डिसाइड होता है उसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। फिर अपन लोग ने हिस्ट्री समझने की कोशिश की कि 1995 के पहले सेंट्रलाइज्ड डिवीजन्स हुआ करते थे। अब अगर ये सेंट्रलाइज्ड डिवीजन्स थे, देन इन दैट केस ये सेंट्रलाइज्ड डिवीजन्स क्या होता है, मिल्क कर्ड एंड बटर मिल्क में डिवाइड करके अपन लोग ने देखा कि ये सेंट्रलाइज्ड डिवीजन के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, और अगर इनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं, कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देते हैं इंटरनली भी, क्योंकि इनको फिक्स सैलरी मिलने वाली है। बट कैन आई से वो चीजें चेंज होने लगी और उसके बाद आ गया डिसेंट्रलाइज्ड, या जिसको अपन कहते हैं प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच। इसके बाद मिल्क डिपार्टमेंट, कर्ड डिपार्टमेंट, वो सब अपने ही डिपार्टमेंट के लिए प्रॉफिट सेंट्रिक हो गए, क्योंकि अब उनको उनके प्रॉफिट सेंटर के बेसिस पे बोनस मिलने वाला है। तो उन्होंने बोला कि अब हम डेफिनेटली कॉस्ट पे ट्रांसफर नहीं करेंगे, अब हम एक हायर प्राइस पे ट्रांसफर करना चाहेंगे, जिसको अपन लोग ने नाम दिया ट्रांसफर प्राइस। फिर बाद में ये समझने के लिए अपन लोग ने 3 केस लिए। केस 1 में फुल स्पेयर कैपेसिटी था, और ये फुल स्पेयर कैपेसिटी में अपन लोग ने क्या बताया कि रिकवरी ऑफ कॉस्ट विल बी माय मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होगा मेरा मार्केट प्राइस।
सेकेंड सिनारियो आया जब मेरा 90,000 का डिमांड था और स्पेयर कैपेसिटी 10,000 और मेरे को बाहर से मतलब मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट से 20,000 का ऑफर आया, तो एफए सिचुएशन में मैंने सोचा कि यार 10,000 जो स्पेयर है वो तो मैं कॉस्ट पे दे सकता हूँ, पर बाकी का जो 10,000 यूनिट्स लीटर्स है वो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो वो जितना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं उतना मैं आपसे रिकवर करूंगा, तो वो जो मैंने आप लोग से रिकवर एक्स्ट्रा किया है उसको कंबाइन करके जो मैंने इधर एवरेज प्राइस निकाला है वो मेरा बेसिकली मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बना। एंड उसके बाद मेरा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस तो इस सिनारियो में भी वही मार्केट प्राइस रहा। एंड लास्ट सिनारियो में मैंने देखा कि मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है, मतलब मेरा एक्सटर्नल डिमांड है जो मेरा टोटल कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है, तो ये जो भी इंटरनल डिमांड है वो फुल इंटरनल डिमांड के लिए मेरे को मेरा पूरा का पूरा एक्सटर्नल डिमांड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और वहां से मैं जो अर्न कर रहा था वो सब मैं अब आपसे अर्न करूंगा मिनिमम, क्योंकि मैं प्रॉफिट सेंट्रिक हूं तो मुझे उतना पैसा चाहिए ही चाहिए। सो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस दोनों मेरा केस थ्री में क्या था, मार्केट प्राइस, दोनों मेरा केस थ्री में क्या था, मार्केट प्राइस। एंड इस बेसिस पे अपन लोग ने केस वन, केस टू, केस थ्री के कॉन्सेप्ट को डिराइव किया एंड ये सब केसेस अपन लोग ने लिख लिया। समझ में आ गया, सब कुछ आप लोग को याद आ गया बेटा? एवरीबॉडी यस और नो जवाब दो मुझे, आपकी जोर शोर की आवाज में आना चाहिए। यस एवरीबॉडी यस। मुजफ्फरनगर हाउ मेनी डेज चैप्टर विल कंटिन्यू, इस सवाल का जवाब नहीं है। चलो अब मैं ये फटाफट डिस्कस कर लूं दो मिनट में, चलो दो मिनट में डिस्कस कर लेता हूं। शास्त्री नगर डन 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 वेरी गुड। चलो मैंने ऐसे ही मैं लिखते रहता हूं कुछ ना कुछ अपने आप से बात करते रहता हूं। मैंने इधर लिखा है इट हैज टू बी द बेस्ट बैच ऑफ माय लाइफ। क्या आप भी चाहेंगे कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट बैच हो? तो अपने को अगर इसको बेस्ट बैच बनाना है तो बेस्ट एफर्ट्स अपन लोग डालेंगे तो मजा आएगा। एंड लास्ट दो दिन से मतलब आज का दिन और कल के दिन के बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा है यू गाइज आर फैंटास्टिक, सच्ची बोल रहा हूं, बहुत बहुत मजा आ रहा है मेरे को आपको पढ़ाने में। सो मेरे को पता भी नहीं चल रहा है 3 घंटा कहां जा रहा है एंड विच इज गुड। सो डेफिनेटली आई होप आप लोग को भी ऐसा ही कुछ लग रहा होगा कि आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। चलो नाइस। फिर बाद में मैंने इधर लिखा था कि कवरेज ऑफ ऑल पास्ट पेपर्स, तो मैं पास्ट पेपर्स एमटीपी आरटीपी सब मस्ट क्या बोल रहा था मैं, हाँ कवरेज ऑफ ऑल पास्ट पेपर्स एमटीपी आरटीपी में कवर करने का फुल मैं आप लोग को करने वाला हूं। अहमदनगर यू आर द बेस्ट टीचर एवर सीन, थैंक यू सो मच बेटा। रिविजन ऑफ ऑल चैप्टर्स मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो हर एक चैप्टर जो होगा उसका रिविजन अपन लोग करेंगे एंड डेफिनेटली वो यूट्यूब पे जाएगा। एग्जाम में राइटिंग प्रोसेस कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सर थियरी कवर करोगे ना जमशेदपुर, 200% कवर करेंगे बेटा। सो कौन है रे कांकुर गाची, सीधा बाय बोलने के लिए आप तो कहां पे, अब तक कहां पे तारे बेटा। एग्जाम राइटिंग प्रोसेस देखो मैं एक चीज बता देता हूं, एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट दैट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। प्रायोरिटीज पहले समझो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चैप्टर है, कैसे क्या हमको सॉल्व करने के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है, ऑल ऑफ दैट वो आपका प्रायोरिटी है। अंधेरी शॉर्ट समरी वीडियोस टॉपिक वाइज रिकॉर्डिंग विल बी डन अंधेरी। हाँ सो एग्जाम राइटिंग प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा बट अभी नहीं, वो टाइम आने पर। नो फिक्स पैटर्न, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, मतलब हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देना है। क्रिएट योर ओन क्वेश्चंस और केसेस, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं अभी है ना खुद से सोचना चालू करेंगे अपन कि क्या क्या नए केसेस हो सकते हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ऑल ऑफ दैट। ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड देयर इज नो ट्रेंड। सो ऑन दैट नोट अब अपन लोग रिविजन लेक्चर में डालूंगा, डोंट वरी, बट फिलहाल अरे भाई मेन लेक्चर तो होने दो फिर आएंगे रिविजन लेक्चर के ऊपर। चलो भाई आप लोग को भी मजा आ रहा है तो प्लीज मेरे साथ ये पॉजिटिव वाइब शेयर करते रहना, डेफिनेटली आई विल बी देयर। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाओ और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब हो जाओ ताकि बाय डिफॉल्ट जो भी मेरा नया नया चीज है ना वो तुम लोग को पता चलेगा। तो सर आपका टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिलेगा हमको, या आपका यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आप लोगों को सब डिटेल्स भेज दूंगा एंड आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। चलो गाइस ऑन दैट नोट साइनिंग ऑफ, CA संकल्प कांस्टिया, अस्तु लविस्ता, कल मिलेंगे इसी जोश के साथ इसी जुनून के साथ और जल्द बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, अस्तु लविस्ता, बाय बाय।